हेलो दोस्तों, वाईटेक चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप व्हाट्सअप चलाते हो ना, तो व्हाट्सअप की 5 हिडन सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में आपको हर हाल में पता होना ही चाहिए, वरना आप पछताओगे। यदि आप ये 5 सेटिंग के बारे में जान लेते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, व्हाट्सअप को यूज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको फटाफट 5 ट्रिक के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले, यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आपको व्हाट्सएप ट्रिक लिख करके मुझे सेंड कर देना है। तो चलिए अब मैं आपको 5 ट्रिक के बारे में बता देता हूं। पहला सेटिंग क्या है, किसी फ्रेंड के प्रोफाइल पर जाएंगे, आई बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको नीचे दिखेगा मीडिया विजिबिलिटी, उस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहां पर 3 ऑप्शन आएगा। पहला डिफॉल्ट पे होगा, ये यस का नो का ऑप्शन आएगा। यदि आप इसको नो करके ओके पे क्लिक कर देते हो ना, अब क्या होगा, ये जो फोटो वीडियो आपको भेजेगा ना और उसको आप डाउनलोड करोगे ना, तो आपके फ़ोन गैलरी में सेव नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही दिखेगा। इससे आपके मॉल का स्टोरेज भी फुल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप पे ही दिखेगा, आपके फ़ोन गैलरी में सेव नहीं होगा। तो ये पहला ट्रिक था, सेटिंग था, जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। फिर से आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है, किसी फ्रेंड के आई बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो नीचे आपको चैट लॉक का ऑप्शन दिखेगा। अब क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के जिससे आप पर्सनल चैट करते हो ना, उसको आप लॉक करके रख सकते हो, इसको अलाउ करिएगा और आपके मोबाइल का जो भी फिंगरप्रिंट लॉक है उसको व्यू कर दीजिएगा, तो ये जो चैट है ना, ये लॉक हो जाएगा। पर मैं आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा चैट का, ये जो होम स्क्रीन से हट जाएगा, वो जो जिसको आपने लॉक किया है, ऊपर आपको वो चैट लॉक में आपको दिखेगा। आपको फिर से फिंगरप्रिंट सटाएंगे ना, जो भी आपके मोबाइल का लॉक है, तब वो आपको ये चैट देखने को मिलेगा। इसको आपको हटाना है तो फिर से आपको क्या करना है, आई बटन पर क्लिक करना है, नीचे जाना है ना, तो चैट लॉक को आप दोबारा ऑफ भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा सेटिंग था जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको तीसरा सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 3 डॉट में जाना है, सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी में जाना है, तो आपको लास्ट सीन दिखेगा। अब लास्ट सीन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। यदि इसको नोबडी और यहाँ पे लास्ट सीन दिख रहा है ना, इसको आप कर देते हो ना, उसके बाद आप ऑनलाइन भी रहोगे ना व्हाट्सएप पे, तो किसी को ऑनलाइन शो नहीं होगा, सबको ऑफलाइन शो होगा, मतलब लास्ट सीन आपका किसी को दिखेगा ही नहीं। तो ये तीसरा सेटिंग था जो मैंने आपको बता दिया, बहुत महत्वपूर्ण सेटिंग है, इसको आप करके रखिएगा। यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड से रात भर रात में चैट करते हो ना, तो आप किसी को ऑनलाइन शो नहीं होंगे, ठीक है, तो इस सेटिंग को ऑफ करके रखिएगा। तो ये तीसरा सेटिंग था। अब मैं आपको चौथा सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। आपको करना क्या है, फिर से प्राइवेसी में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको रेड रिसिप्ट दिखेगा, ठीक है। अब इसको ऑफ कर दीजिएगा। अब जैसे इसको ऑफ कर दीजिएगा ना, अब इसका काम क्या है, यदि आप किसी का भी स्टेटस देखते हो, ठीक है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। ये आपको चौथा सेटिंग था जो मैंने आपको बता दिया, किसी को भी स्टेटस देखोगे को पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको पांचवा और लास्ट सेटिंग के बारे में बता देता हूं। वो क्या है कि यदि आप किसी को भी अपना फोटो भेजते हो ना, तो वो क्वालिटी खराब हो जाता है। अब इसको आप HD में कैसे भेज सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल से किसी को भी फोटो सेंड करना है ना, तो उसका फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर मैंने फोटो सेलेक्ट किया, ऊपर में आपको HD का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हाई क्वालिटी का ऑप्शन दिख रहा है ना, अब इसको हाई क्वालिटी कर देंगे ना, अब जो फोटो सेंड कीजिएगा ना, तो क्वालिटी खराब नहीं होगा, ये फोटो HD में जाएगा। यहाँ पे HD लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा। तो ये पांचवा सेटिंग ट्रिक था जो मैंने आपको बता दिया। सबसे बेस्ट कौन सा ट्रिक और सेटिंग लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।